हम लोग देख रहे हैं महाराष्ट्र प्रदेश से, मेकर तहसील बुलढाणा जिला से वसुदेव त्र्यंबक दलवी, इन श्रीधर दलवी इनके घर में घुसा हुआ यहाँ बहुत भारी स्पेक्टेकल कोबरा सर्प मित्र वनिता बोराड़े द्वारा पकड़ा गया है। ये जो सांप है यह अभी अभी यहाँ घर के अंदर घुसा हुआ था और बहुत भारी है। हम लोग देख रहे महाराष्ट्र की प्रथम महिला सर्प मित्र वनिता बोराड़े, इन्होंने फोन कॉल पर यहाँ पहुँच कर रेस्क्यू ऑपरेशन यशस्वी करते हुए इस भारी भरकम जहरीले नाग को पकड़ा है। घर घर के अंदर गाय भैंसों के खाने के लिए रखा हुआ जो अनाज था, जिसे हमारे महाराष्ट्र में कुटार कहते हैं, इसके ढेर में छिपा हुआ है बहुत भारी कोबरा। जब यहाँ टीन पत्रों को बदलने का काम चल रहा था तो नजर आया मिस्टर वासुदेव त्र्यंबक दलवी, श्रीधर दलवी, इन्होंने फोन कॉल करके मैडम जी को यहाँ आया और सभी की सहायता से यशस्वी रूप से नाग को पकड़ा गया है। बहुत खतरनाक नाग है, इसको हम वन विभाग की सहायता से जंगल में छोड़ देंगे। सर्प मित्र वनिता बोराड़े महाराष्ट्र में सर्प जन जागरण मुहिम चलाती है और बिना मूल्य सर्प सेवा देती है, सांप पकड़कर जंगल में छोड़ देती है। हम देख रहे कम से कम 6-7 फुट लंबाई का ये भारी कोबरा, स्पेक्टाकल कोबरा, लोगों के मन में बसा हुआ जो डर है वो दूर करने के लिए मैडम जी लगातार 40 साल से काम कर रही है। ऐसे सांप ने अगर काटा तो नजदीकी अस्पताल में, अस्पताल में जाके इसके ऊपर उपचार करना चाहिए। सांप का जहर जड़ी बूटी से, जादू टोना से, मंत्र से उतरता नहीं है, इसके ऊपर वैद्यकीय उपचार लेना चाहिए। हम लोग देख रहे हैं महाराष्ट्र की प्रथम महिला सर्प मित्र वनिता बोराड़े यशस्वी रूप से सांप को एक प्लास्टिक बोतल में बंद कर रही है। बाद में डालिए, ऊपर आ रहे हैं। चांस उतना होता है मतलब बाबा दे, तुम्हारे चांस उतना होता है मतलब।